अल्टीमेटली यू विल नो, यू तो अंदर से आपको पता रहेगा कि यार ये अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और उसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कि यदि आपको लगे कि जो है मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि पिछले अटेम्प्ट में मैंने क्या गलतियाँ की। और वो बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट और ब्रूटल सेल्फ असेसमेंट से आता है, क्योंकि हर किसी को जो है अपनी फेलियर्स किसी को स्वीकार नहीं होती। हर कोई यही सोचता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने जो आंसर लिखे परफेक्ट है। चेक करने वाले बेवकूफ़ है, मेरे को भी ऐसे ही लगता था कि चेक करने वाला साला बेवकूफ़ है जो उसको इतने अच्छे आंसर लिखे मैंने। कोई नेपाल का क्वेश्चन आया था हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, अच्छा मेरे को मैं तो इतना जो है इतनी बढ़िया तैयारी थी मेरी, जो है मैंने इतना शानदार आंसर लिखा था कि जो है एम्बेसडर टू नेपाल भी यदि पढ़ते तो ये बढ़िया मार्क्स देते। और मेरे जीएस के अंदर इतने पिटे हुए नंबर आए, मैंने कहा एग्जामिनर बेवकूफ़ है जिसको चेक करना नहीं आया, जिसको जो है ये सारी चीज़ें नहीं आती थी। बट बॉटम लाइन इज भैया चाहे कुछ हो, इज द एग्जामिनर, योर इज द एग्जामिनर, चेक वही करेगा, नंबर वही देगा, आपको एग्जामिनर के हिसाब से लिखना। यू विल हैव टू सो एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स।